नमस्कार दोस्तों, आप हैं सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको हर रोज शानदार क्लास देने जाते हैं। और आज फिर से एक शानदार क्लास, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, विसर्ग संधि। हम कंटिन्यूसली हिंदी को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है दोस्तों कि आप लोगों तक हिंदी का बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आपके सामने अगर कोई भी एग्जाम आता है जहां आप एकदम से कंफर्टेबल फील करें। ये हमारा विश्वास है। जो भी परीक्षा आपके सामने होगी, चाहे वो लेखपाल की हो या बीडीओ की हो, यूपीएसआई, पुलिस कॉन्स्टेबल, टीचर से रिलेटेड या अन्य एग्जाम जो आते हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम, पीसीएस से संबंधित, बिहार पीसीएस से संबंधित, आप हिंदी में बिल्कुल भी अपने को कमतर नहीं आंकेंगे। वहां आप बैठ करके कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि उसके पीछे का कारण है। उसके पीछे का कारण ये है कि हम आपको हिंदी कंसेप्ट और लॉजिक कराने के साथ साथ बेहद प्रैक्टिस करा रहे हैं। हर एक फॉर्मूले पर, हर एक कंसेप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास है कि हम आपको प्रैक्टिस कराएं। जैसा कि आप पिछली क्लासों में देख ही रहे होंगे, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, और जो भी अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट, बेकार लगता है तो बेकार कमेंट, अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें, डिसलाइक का कारण बताएं, जिससे कि हम रिफॉर्म कर पाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमने ये बताया था आपको कि आप प्रैक्टिस करने के लिए चाहे तो इससे ज़्यादा, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप पर टाइम है, तो अन्य मार्केट से प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हो। बहुत सारी बुक हैं, ठीक है ना। आदित्य पब्लिकेशन उसमें सबसे अच्छा है, ठीक है ना, आप देख लेना, ये आप पर निर्भर करता है। तो देखो, हमारा जो आज का क्लास था वो था, जैसा कि आप देख रहे होंगे, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हम दोस्तों आपको पढ़ाने वाले थे। तो विसर्ग पहले होता क्या है, ये विसर्ग हमें ये पता होनी चाहिए कि भाई ये विसर्ग शब्द जो है वो अपने आप में क्या होता है। तो देखो, विसर्ग मीन्स इस तरह की बिंदियां होती हैं, ये दो ये विसर्ग हैं, आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये विसर्ग हैं। पहले तो आप ये दिमाग में भरिए अपने में कि भाई ये क्या है जो आपके सामने है, वो विसर्ग है, ठीक है ना। अब दूसरा मैं ये बोलता हूँ, विसर्ग का डेफिनेशन आप करोगे तो आप बस ये बताओगे, विसर्ग का मेल जब हम किसी स्वर से या व्यंजन से करते हैं, विसर्ग का मेल जब हम किसी स्वर से करते हैं या व्यंजन से। तो ये बात तो क्लियर है, विसर्ग जो है वो स्वर से भी मेल खाता है और व्यंजन से भी मेल खाता है, और मेल खाने के बाद जो भी संधि बनती है उसी को हम बोलते हैं विसर्ग संधि। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। विसर्ग तो आप जानते ही हो, जैसे कि हमने बताया ये विसर्ग है, और जब हम विसर्ग का मेल किसी स्वर के साथ या किसी व्यंजन के साथ कराते हैं तो निश्चित रूप से जो संधि बनती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरी बात देखो, हमने यहां आपको ये बोला है कि जो विसर्ग होता है उसका अपना वर्णों में जुड़ने के साथ अपना एक महत्व होता है। मेरा कहने का मतलब, बिना विसर्ग का वर्ड का अलग महत्व होगा, और विसर्ग के साथ यदि वर्ड आता है तो उसका अपना अलग महत्व होगा। इसके लिए देखो, हमने एक एग्जाम्पल ये दे रखा है, ये आप देख रहे होंगे, ये अत लिख रहा है, अत, क्या लिख रहा है, अत। लेकिन जब हम इसमें विसर्ग ऐड कर देते हैं तो इसका महत्व अपना अलग हो गया, ये अतः हो गया, क्या हो गया, अतः हो गया। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई विसर्ग जब किसी वर्ड में शामिल होता है, किसी शब्द में शामिल होता है, तो निश्चित रूप से उसका महत्व बदल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम विसर्ग का वर्ड में परिवर्तन करते हैं, हम विसर्ग का परिवर्तन एक तो वर्ड में कर सकते हैं, तो जैसे ये विसर्ग है, आप देख रहे होंगे ये क्या है, विसर्ग, और इसका जब हम वर्ड में परिवर्तन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, निर्धन बन जाएगा, देखो यहाँ शब्द बन गया। और वहीं वर्ड का परिवर्तन अगर विसर्ग में करेंगे तो देखो ये निर्धन क्या है, एक शब्द है इसमें वर है, वर्ड है, देखो ये निर प्लस धन, तो देखो ये इसको हम विसर्ग में चेंज करेंगे, तो जब हम विसर्ग में चेंज करेंगे तो देखो ये नह हो गया, नह प्लस धन, ठीक है ना, प्लस ये लगाओगे, ये प्लस लगा दोगे। तो मेरा कहने का मतलब, वर्ड का हमने विसर्ग में चेंज किया है, ठीक है ना, तो यहाँ हमने बना दिया न और यहाँ बना दिया धन, तो देखो जहाँ जो वर्ड था आधारा वो अब किस में चेंज हो गया, न और विसर्ग में चेंज हो गया। मेरा कहने का मतलब आपसे यहाँ यही था कि भाई जब हम विसर्ग को वर्ड में चेंज करते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है, देखो ये विसर्ग को जब हमने मेल किया तो ये देखो किस में चेंज हो गया, वर्ड में चेंज हो गया, तैरते हुए राह में, इस राह को क्या बोलते हैं, तैरता हुआ राह, ठीक है ना, जरूरी नहीं है ये राह में ही होगा, अन्य बहुत सारे वर्ड में उनमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे मैं चलता हूं, हम आगे आपको बताने वाले हैं रूल फर्स्ट,
विसर्ग को जब हम पढ़ेंगे तो रूल बाय रूल पढ़ेंगे, इसके 8 से 9 रूल हैं। अगर आप 8 से 9 रूलों को आसानी से पढ़ लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ विसर्ग संधि से आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, लोअर पीसीएस का हो, एसआई का हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के, तो हाल ही में एग्जाम आने वाले हैं, एक एक हिंदी के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे जितने भी आएंगे। मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर इतनी प्रैक्टिस कर ली आपने तो सभी क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। 50 अगर आते हैं तो 49 भी नहीं रहेंगे, 50 में से 50 यहीं से आएंगे। बस आप विश्वास करिए, ठीक है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो पहला रूल क्या है, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, मतलब विसर्ग को ही किसमें चेंज करेंगे, विसर्ग में करेंगे। तो देखो जैसे प्रातः काल लिख रही है, प्रातः काल, तो इसे हम देखो प्रातः और काल, देखो विसर्ग जो है वो सेम विसर्ग में ही क्या हो गया, चेंज हो गया। पहचान लेना ये संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। वही पय पान, तो पय पान देखो पय विसर्ग के साथ और पान ये अलग हो गया। पुनः आगमन, तो देखो पुनः इसमें विसर्ग है और विसर्ग को हमने किसमें चेंज किया, विसर्ग में ही चेंज किया, तो पुनः प्लस आगमन। वही देखो अतः और एवं, तो देखो अतः एवं का मतलब अतः और ये एवं अलग कर दिया, देखो विसर्ग में विसर्ग को ही चेंज कर दिया। ऐसे ही अतःपुर, अतःपुर को अतःपुर ही लिखेंगे। तो ये आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ ये जो शब्द में विसर्ग है उसे मैंने संधि में विसर्ग के रूप में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब ये संधि विच्छेद है और इसे यहाँ पे हमने विसर्ग को, देखो ये विसर्ग है और शब्द में भी मेल करके विसर्ग में इसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पहला रूल है भाई, विसर्ग को विसर्ग में चेंज कर लेना, मत्थे में डाल लेना इस बात को, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कुछ लोग अब बता रहे हैं कि सर हिंदी की क्लास काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं और भी ज़्यादा अच्छी कराऊँ। और ये YouTube चैनल के इतिहास में मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसी क्लास आपको फ्री में नहीं मिलने वाली कहीं भी, ज़्यादातर लोग पेड करते हैं लेकिन पेड नहीं होगा, यहाँ पर ये सभी क्लास आपको फ्री में दी जाएंगी। और लेखपाल से रिलेटेड जो ग्रामीण प्रवेश की क्लासेस हैं वो ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से उठेंगे। देखो सेकंड रूल है इसमें, ये तैरता हुआ राह है, देखो ये आप देख रहे हैं ये राह तैरता हुआ है, का विसर्ग में कैसे चेंज करेंगे, विसर्ग में परिवर्तन। तो मेरा कहने का मतलब तैरता हुआ राह का चेंज किस में, विसर्ग में। जैसे निर्धन, तो निर्धन में कौन सा राह है, तैरता हुआ राह। तो देखो इस निर्धन में इस राह को आधा राह भी आप बोल सकते हो, इस राह को चाहो तो आप इस वाले राह को देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये हलंत के साथ आधा राह ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस संधि में इसी तरीके से इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया, कैसे किया गया देख लेते हैं। तो देखो मैंने इसे तोड़ा है निर, आधा इस राह को यहाँ ऐड कर दिया और धन ये लिख दिया। तो देखो ये जो राह है बस हमें किस में चेंज करना, विसर्ग में करना। तो देखो ने प्लस धन, ये हो गई कौन सी संधि, ये होगी भाई विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग साथ में लगा हुआ। वही दुर्दशा, तो देखो दुर इस राह को हटाऊंगा तो ये दुर और दशा आधा राह में चेंज हो गया और ये बचा कुचा दशा। अब इस आधा राह को किसमें चेंज करेंगे, विसर्ग में चेंज करेंगे, देखो हो गया दो प्लस दशा, दुर प्लस दशा, ठीक है। तो कहीं हा के रूप में आता है विसर्ग, कहीं रा के रूप में आता है, कहीं सा के रूप में आता है, कहीं स्व के रूप में आता है, अलग अलग नियमों में इसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे निर्बोध, निर्विरोध में, तो देखो निर को लिख दिया मैंने और विरोध लिख दिया और इस रा को मैंने किस में चेंज कर दिया, विसर्ग में। तो निर प्लस विरोध इसका मतलब हो गया। ऐसे दुर्गम, तो देखो दुर इस रा को मैंने आधे राह में तैरते हुए राह को आधे राह में तोड़ दिया, प्लस गम। देखो आपका मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले जो हम बोलते थे वो इसी तरीके से बोलते थे कि देखो निर और विरोध। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में 100% सही नहीं है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूं। जब हम इसे इस रूप में लिखते हैं तब ये 100% सही होता है, लेकिन पहले ये ऐसे बोला जाता था, इसे यहां से यहां तक आने में लगभग 200 से 250 साल लग गई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आज जब ये इस तरीके से लिखा जाता है नि प्लस विरोध, ऐसे ही दुर्गम में दुर प्लस गम, तो दो प्लस गम। निर्जर, तो ने इस राह को हमने इसमें तोड़ लिया और यहाँ झर लिख दिया और ये बन गया निर्जर। उम्मीद करता हूं रूल फर्स्ट का जो आंसर है वो आपके समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराऊं। तो देखो निर्मल, तो निर प्लस मल, इस राह को हमने किस में तोड़ दिया, विसर्ग में तोड़ दिया। निर्जल, निर इस राह को किस में तोड़ दिया, विसर्ग में तोड़ दिया, निर प्लस जल कर दिया हमने। निर्गुण, तो देखो निर इस राह को हमने किस में तोड़ दिया,
इस विसर्ग में तोड़ दिया। उम्मीद करता हूं एक भी पहले नियम से संबंधित आपसे छूटनी नहीं चाहिए। यही देखो निर्विकार तो निर और विकार, देखो सबका क्या निकल के आ रहा है, मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे नि बोलेंगे, नि मींस बिना, और ये विकार बोलेंगे। विकार मींस नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, बीमारियां वगैरह या अन्य चीजों से रिलेटेड विकार, ठीक है। वही दुर्गंध, तो देखो दुर शब्द जो यूज किया जाता है वो बुरा के लिए या कठिन के लिए, गंध मीन आप जानते ही हो, तो दुर प्लस गंध, इसे दुर प्लस गंध, इसे विसर्ग में आपने तोड़ दिया। तो सबका अपना मतलब भी निकल के आ रहा है। देखो दुर्नीति, दुर मीन्स दू शब्द कहाँ किया जाएगा, बुरा के लिए या कठिन के लिए। वही नीति आप जानते ही हो, तो देखो इसका भी मतलब निकल के आ गया, ये विसर्ग में चेंज हो गई। वही निर्मय, तो देखो निर और मय, ये भी विसर्ग में चेंज हो गई। वही निरूपाय, तो देखो निरूपाय में ये ने हो गया विसर्ग में और ये उपाय हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एग्जाम्पल हैं बेहद इंटरेस्ट लग रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल अगर आप करते हो ना तो क्वेश्चन आपसे छूटने वाला एग्जाम में है ही नहीं। अब देखो आगे चलते हैं, रूल तीन को देखते हैं। तो रूल तीन में कह रहा है ये स्व, आधा सा, इसे चेंज किसमें करेंगे भाई, विसर्ग में। विसर्ग मतलब इसमें चेंज करेंगे, इसे कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है उसमें। तो देखो निसंदेह, इसमें आधा सा आ रहा है, पहले इसे आधा सा को हम छोटा ये भी तो लिख सकते हैं, देखो अलंत के रूप में, तो पहले अलंत के रूप में लिखिए, फिर आधा बचा ये संदेह लिख दिया। ये अपने आप में 100% सही नहीं है, पहले यही बोला जाता था, पहले ही निसंदेह को देखो ऐसे ही बोला जाता था, ऐसे लिखते थे ने। आप बताइए क्या ये अपने आप में सही लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा। 200 से 250 साल लगी है इसे इस तरीके से यहाँ आने में। तो देखो इस आधे सा को अपने किस में चेंज कर दिया, विसर्ग में। तो जब इसकी संधि आएगी आपके सामने एग्जाम्पल में तो ने नेस प्लस संदेह इस तरीके से आएगी। वही दुसाहस, तो देखो दुस प्लस साहस, इसे तोड़ दिया हमने किसमें, विसर्ग में। तो ये विसर्ग के रूप में इस तरीके से एकदम से राइट हो गई है। वहीं देखो निस्तेज, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ये जो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं मोस्टली एग्जाम्पल एग्जाम में आए हुए हैं, और उसके साथ साथ कुछ लॉजिकल हैं जिससे कि आप आसानी से, क्योंकि हमारा रटाने का कोई मतलब नहीं, आप बस दिमाग में लॉजिक कर लो, उससे भी ना आते हुए क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलती हैं, क्लास अच्छी लगती है तो इसे साथ ही साथ शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बोल दो भाई यूट्यूब के इतिहास में ऐसी क्लास शायद फ्री नहीं मिलेंगी कभी। तो देखो इसे निस्तेज में, इस सा को हमने ये आधे सा में तोड़ दिया और इसे यहाँ पर इसका विसर्ग बना दिया और तेज पीछे लिख दिया, ये होगी भाई निस्तेज की संधि। वही नमस्कार, तो देखो नमस सा को तोड़ दिया और इसे यहाँ पर विसर्ग में तोड़ दिया, तो नम प्लस कार। ढेर सारी प्रैक्टिस आप करिए। नमस्ते, तो नम देखो विसर्ग आ गया और ये ते लिख दिया, नमस्ते बन गया। निसहाय, तो ने ये विसर्ग में तोड़ दिया आधा सा को। ऐसे भास्कर, तो भास्कर को भी हमने किस में तोड़ दिया, तो देखो भा और ये विसर्ग बना दिया और कर लिख दिया, तो ये बन गया भास्कर, ठीक है। उसके साथ रूल फोर आता है अब, तो हमने रूल तीन पढ़ लिए, अब चौथा पढ़ने वाले हम लोग। चौथा कौन सा पढ़ेंगे, पहला रूल विसर्ग को विसर्ग में चेंज करना, तैरते हुए रा को विसर्ग में चेंज करना, और आधे सा को सपेरा वाले को विसर्ग में चेंज करना, अब सलजम वाले आधे सा को फिर से विसर्ग में चेंज करना। तो देखो रूल फोर में हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि ये जो तैरता हुआ रा है, आधा सा है, और ये सलजम वाला सा है, और ये षटकोण वाला आधा सा है, इन तीनों को क्या बोलते हैं, या तो आप इसे शुद्ध व्यंजन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप इनको, शुद्ध व्यंजन कह सकते हो। दूसरा आप इनको आधा व्यंजन कह सकते हो, मैंने बताई थी जो अलंत लगेंगे उसे आधा भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। इसे देखो आप इसे है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे सलजम को ऐसे भी लिख सकते हैं, और षटकोण को तो आप लिखा हुआ है, या इसे ऐसे लिख दो षटकोण को, तो इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो इन्हें शुद्ध व्यंजन भी आप कह सकते हो, आधा व्यंजन भी कह सकते हो, और स्वर रहते इनमें देखो कहीं भी स्वर नहीं मिलेगा आपको, आधा तो अपने आप में खुद ही है, तो स्वर कहाँ से आ जाएगा इसमें, समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ रूल फोर में ये बताना चाह रहा था आपको कि इन तीनों को, चार जो हैं, तैरता हुआ रा,
आधा सा सपेरा वाला, सलजम वाला आधा सा और षटकोण वाला, इन तीनों को शुद्ध व्यंजन भी आप कह सकते हो, इन तीनों को आप आधा व्यंजन भी कह सकते हो और इन तीनों को आप स्वर रहित व्यंजन भी कह सकते हो। अगर ऑप्शन में आपके सामने होता है तो आप चुटकी में टिक लगाइए वहां पर और अपना नंबर पढ़ाइए। अब देखो, अब यहाँ हम सा वाला पढ़ा रहे हैं आपको, तो देखो दुश्चरित्र, तो इस सा को पहले तो हम देखो ऐसे में लिख देंगे, जो मैंने अभी बताया था हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अभी बताया था, और चरित्र लिख दिया, और दो इस जो सा को हमने किसमें चेंज कर दिया, विसर्ग में, तो ये संधि कैसे बनेगी, दुस और चरित्र, वही दुस्वर, तो देखो इसको भी हमने आधे सा में तोड़ दिया और वर लिख दिया तो दुस्वर हो गया, तो इसमें है कुछ नहीं, बस आप कंफ्यूज नहीं होने वाले। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी सही वर्तनी है, तो हमने बताई थी संधि हमने इसीलिए कहा, वर्तनी को भी साथ साथ क्या कर लो, क्लियर कर लो, ऑप्शन आपके सामने होगा, चुटकी में आप निशान लगाओगे, देखो दुशासन, ये दुशासन या दुशासन या कौन सा सही है आप जल्दी से बताइए। तो आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, जहां पर ये आधा सा होगा ध्यान रखना, इसके बाद में जो मूल सा आएगा वो यही आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इस चीज को दिमाग में डाल लो, ये तो आने ही नहीं है, ये तो आने वाले है ही नहीं है, फिर कौन आएंगे, ये आएंगे इसके बाद, इसके जस्ट बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो इसके जस्ट बाद में ये वाले सा की बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट देखो ये तो होगा नहीं, इसके बाद में ये वाला आने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, इसके बाद में ये वाला आएगा नहीं, मैं भी मना कर चुका हूं, तो फिर कौन सा आएगा, देखो ये शायद दोनों एक जैसे ऑप्शन हो गए हैं, नहीं हो गए, तो इसे ऐसे करके लिख लेना, तो ये भी नहीं होगा, शासन में शासन हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो देखो इसके जस्ट बाद कौन सा आएगा, ये आएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सही वर्तनी क्या होगी इसकी, सी, वैसे तो ये सी डी दोनों ही थे एक जैसे ही थे, ठीक है। अब कह रहा है निश्चल, निश्चल, तो देखो इसको आधे सा को हमने किसमें चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है, इसीलिए इसे किसमें बनाएंगे, विसर्ग में बनाएंगे, तो देखो यहाँ जाके हमने इसे किसमें चेंज कर दिया, विसर्ग में चेंज कर दिया और शब्द बना दिया निष्पर, चल अब ये बिल्कुल सही हो गया। वैसे ही निश्चित, तो देखो निश इस आधे सा को हमने किसमें चेंज किया, इसमें चेंज किया, ये पूर्णतः सही नहीं है, इसीलिए हमने इसे किसमें चेंज किया, विसर्ग में चेंज किया और आगे जाके हमारा शब्द आसानी से बन गया। दुशासन देखो ये आ गया, तो ये राइट है या नहीं है, तो यही हमने राइट बताया था आपको, इसे हमने चेंज किया आधे सा में लंत वाले में और फिर इसे हमने किया विसर्ग में, और तो प्लस शासन, ये शब्द आपका संधि के रूप में बन गया। वहीं आप देखिए एक प्रश्न और है, निश्चय में कौन सा उपसर्ग होगा, तो हम केवल आपको बर्तनी ही नहीं समझा रहे संधि के माध्यम से, देखिए आप यहां आप कमाल देखिए, एक पंथ पांच काज कर दिए हैं, कैसे, शुद्ध वाक्य, बर्तनी, वर्णमाला, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब कुछ आप किससे कर रहे हो, एक पंथ मीन्स संधि को पढ़ाने से इनको भी। अब आप ये अनुमान लगाइए कि जब हम आपको उपसर्ग और शुद्ध वाक्य और बर्तनी पढ़ाएंगे तो उनमें बचेगा क्या आपके लिए पढ़ने के लिए, चुटकी में सॉल्व कर दोगे, तो देखो ऐसे होती है हिंदी की क्लास। तो उपसर्ग कौन सा सही है, तो देखो इसे पहले तोड़ोगे आप, तो कैसे तोड़ोगे, इस सा को आप पहले इस वाले सा में चेंज करोगे, तो देखो निज और ये चय हो गया, फिर इसे विसर्ग में चेंज करोगे, तो विसर्ग कैसे हो गया, ये हो गया प्लस चय हो गया, तो आप बताइए प्रारंभ में जो आता है वो क्या होता है, वो उपसर्ग होता है, तो इसमें कहीं है ये विसर्ग वाला, है बिल्कुल, तो देखो बी है ये इसका आंसर होगा, ने ये आंसर नहीं होगा, नी आंसर नहीं होगा, ये भी, चूंकि मैंने बताई थी ये दोनों जब एक में आते हैं तो आंसर ये ज्यादा सही होगा, ये 100% सही होगा, और मान लो ये नहीं होता और ये आंसर में होता तो फिर ये आंसर हो जाता, ध्यान रखना अगर ये नहीं होता तो फिर ये आंसर होता, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है, इसीलिए कौन सा ज्यादा सही है इन दोनों में, ये नहीं सही है। अब देखो आगे की ओर एक क्वेश्चन और देखते हैं, यही आपको एग्जाम में मिलते हैं भाई, इसीलिए ध्यान लो इस पर, निर्भीक में कौन सी संधि सही है, तो देखो तैरता हुआ रा है, तैरता हुआ रा, तो तैरता हुआ रा को देखो निर प्लस भीख ऐसे लिख सकते हो आधा रा, फिर ये नि प्लस भीख, निर प्लस भीख, ये तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, देखो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पहले नहीं आता कभी, ये बाद में नहीं आता है कभी, तो इन दोनों में से एक होगा, तो मैंने कहा ये ज्यादा सही नहीं होगा, 100% सही कौन सा होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये एकदम से समझ में आ रहा होगा। तो चले आगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के बताइए,
और क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। अब देखो आगे आगे रूल फाइव देखते हैं। तो देखो इसमें षटकोण वाला आधा सा है, कितना है ये, आधा। इसे किसमें चेंज करना है, विसर्ग में, विसर्ग मतलब इसमें चेंज करना है। कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। निष्कपट, तो देखो इसे पहले आधा लिखोगे हलंत के साथ, तो लिख लिया हमने हलंत के साथ आधा देखो, और कपट लिख दिया इसके बाद। बस इस हलंत को हमें फिर किसमें चेंज करना है, विसर्ग में। तो देखो ये विसर्ग में कर दिया, और ये सा हटा दिया यहां से निसर्ग में, इसका मतलब यही होता है। तो निष्कपट, तो ये शब्द कहीं आता है, तो आसानी से आप सोल्व कर पाओ। ऐसे ही दुष्कर, तो देखो इस सा को हमने आधे सा में चेंज किया, और इसको किसमें करेंगे, इसे विसर्ग में करेंगे, विसर्ग में कर दिया, दुष्कर हो गया। क्या है संधियों में, बोलते हैं कि भाई हिंदी में संधि सबसे हार्ड है, मैं बोलता हूँ हिंदी में संधि सबसे सरल है, और सरल के सिवा पढ़ाई में कुछ है भी नहीं है, ध्यान रखना। आप कहोगे भाई संधि सरल है तो क्या फिर कठिन है, कुछ है ही नहीं है कठिन। कठिन है हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हम उल्टा सीधा पढ़ते हैं, हम लॉजिकली दिमाग को यूज नहीं करते, वो चीज क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। अदरवाइज कुछ भी कठिन नहीं है, जिसके साथ उसका रिविजन है, जिसके साथ उसकी कंसिस्टेंसी है, जिसके साथ उसकी रेगुलरिटी है, जिसके पास पेशेंस है, धैर्य है, उसके पास सफलता है। ठीक है, सफलता है, सरलता है, सुलभता है, सजगता है, ये उसी के पास होंगी जिसके पास ये सब चीजें होंगी। अब देखो निष्पाप, तो देखो इस सा को हमने हलंत वाले में तोड़ दिया आधे में, और इसका मतलब विसर्ग में तोड़ दिया, और हमारी संधि बन गई। वहीं देखो इसको फिर से हमने आधे सा में तोड़ दिया, निस निस और काम लिख दिया, और इसको हमने विसर्ग में तोड़ दिया। हम यही बताना चाह रहे थे आपको कि आधे सा को विसर्ग में किस तरीके से चेंज करते हैं, और यहाँ इस तरह की अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसे आसानी से आप निशान लगाओगे कि भाई ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इसके साथ ही आगे चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे निष्कर्ष। तो देखो इस सा को हमने ये हलंत वाले आधे सा में तोड़ दिया, और इसको कर दिया विसर्ग में, और हमारी संधि आसानी से बन गई। वही निष्फल, तो देखो इस सा को इसमें और यहाँ हलंत में डायरेक्ट तोड़ दिया हमने। दूसरे परिणाम, तो इसी को तो तोड़ना है दू के साथ, तो देखो लेकिन मतलब भी निकलना चाहिए। दू मीन्स बुरा, टू मीन्स क्या है, बुरा। आप ये भी तो ध्यान रखोगे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बुरा या कठिन, बुरा या कठिन। हर चीज का अपना क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। संधि का मतलब यही है कि संधि में दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, अदरवाइज वो संधि नहीं होगी। परिणाम आप जानते हो, रिजल्ट, तो बुरा रिजल्ट। तो देखो इसको मैंने सा में तोड़ दिया आधे में इस वाले को, और इसको हम कहाँ ले गए, विसर्ग के साथ, और ये हमारी क्या बन गई, संधि बन गई। तो रूल फाइव भी एकदम से आसान हो गया। वहीं फिर से आगे चलते हैं। देखो कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी समझ में नहीं आती, भैया हिंदी में है क्या है, देखो इसे और आसान कर दिया। आप ये कह रहे हो हिंदी हिंदी क्या है, इसमें कहीं भी विसर्ग आता है, कहीं भी तैरता हुआ रा आता है, आधा सा और ये सलजम वाला आधा सा और ये षटकोण वाला, ये तो आप देख रहे होंगे ना, ये तो आप सब लोग समझ रहे होंगे ना। इनका परिवर्तन जब हम विसर्ग में करते हैं, मतलब ये इसमें करते हैं, लेकिन ये सब कब आने चाहिए, प्रारंभ में आने चाहिए, क्योंकि संधि का मतलब क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, तो ए प्लस बी यही तो होता है, तो ये इस वाले में आना चाहिए विसर्ग। किसमें आने चाहिए, प्रारंभ में। किसमें आना चाहिए, प्रारंभ शब्द में आना चाहिए। जैसे मैंने बोला निष्काम, तो विसर्ग कहां आना चाहिए, यहां देखो इसमें निसर्ग आएगा, विसर्ग तो प्रारंभ वर्ड में है या नहीं है, तो प्रारंभ की कंडीशन में, निष्काम प्रारंभ में आएगा, प्रारंभ की कंडीशन में ही ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो जहां पर ये शब्द प्रारंभ में दिखाई देते हैं, वहीं पर आप दोनों आंख बंद करिए और विसर्ग लगा दो, आपकी संधि सही होगी भाई। और अब तक हम क्या करते आ रहे थे, यही तो करते आ रहे थे अब तक, हमने यही तो किया। जैसे मैंने निष्कपट लिख दिया, तो मुझे देखना है ये कहां आ रहा है, तो देखो मैंने निस लिख दिया और कपट लिख दिया, तो प्रारंभ में आया नहीं आया, तो आंख बंद करके बस मुझे क्या लगाना है, विसर्ग लगाना और कपट लिखना है, मेरी क्या बन गई, संधि बन गई, और यही शुद्ध वर्तनी होगी और यही संधि होगी। अब बताइए, इतनी सारी चीजें एकदम से चुटकी में मैंने आपके सामने बेहद सरल कर दी, दो सेकंड में आप तैयार करोगे इन चीजों को। बस आपको ये पता होना, ये चीजें जब प्रारंभ में किसी वर्ड में आती हैं, दिमाग में फिर से रट लो, विसर्ग तैरता हुआ रा, सपेरा वाला आधा रा, सलजम वाला आधा रा, सॉरी सलजम सपेरा वाला आधा सा, सलजम वाला आधा सा, और षटकोण वाला आधा सा। यदि किसी
बर्ड के रूप में प्रारंभ में आते हैं किसी शब्द में, तो निश्चित रूप से उनका परिवर्तन किस में होगा? निश्चित रूप से उसका परिवर्तन दोस्तों विसर्ग में होगा। किस में होगा? विसर्ग में होगा। ठोंक दो दिमाग में ये पॉइंट को और ये ध्यान रखना, पांच नियम हैं, पांच नियम आपको यही याद हो गए, आपको नियम याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, यही याद कर लो, दिमाग में लॉक कर दो इसे। कौन बनेगा करोड़पति में लॉक करते हैं तो एकदम से पोटरी खुल जाती है, तो यहां भी आपके दिमाग की पोटरी में ये लॉक हो जाएंगे तो सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो आगे चलते हैं, कुछ और है एक जो मैंने बताई थी, 7-8-9 के करीब नियम है। तो देखो ऐसे ही ये हैं, अगर कहीं मन आता है विसर्ग में, कहीं यश आता है, कहीं तप आता है, कहीं अद आता है, याद रखना मन यश तप और अद ये आते हैं, तो इनका परिवर्तन किस में करेंगे? ओ में करेंगे, छोटा वाला ओ। कौन सा ओ? छोटा वाला ओ। क्या आने चाहिए? लेकिन मन विसर्ग के साथ, यश विसर्ग के साथ, तप विसर्ग के साथ और अद विसर्ग के साथ यदि आता है तो किसे ठोकोगे? छोटा वाला ओ ठोकोगे। हिंदी देखो बन गई कितनी आसान हो गई यार हिंदी, आप कह रहे हो हिंदी इतनी हार्ड है, कहां है हिंदी हार्ड, समझ रखा है लोगों ने हिंदी हार्ड होती है। तो देखो ओ में ही तो चेंज करना है आपको, कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है? जैसे तप इसके साथ क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है और यहां बन लिख रहा है, तो भाई मैंने ये कही थी अगर विसर्ग आता है तो ये जो विसर्ग होगा, ये जो विसर्ग होगा वो विसर्ग किस में चेंज होगा? ओ में होगा। कर दो भाई, तप को तपो लिखिए, हो गया विसर्ग चेंज, और बन हो लिख दो, इसका मतलब क्या आ गया? तपोवन आ गया। अब बताइए चुटकी में करते हैं सॉल्व, देखो इसके एग्जांपल। अब इनमें है क्या मुझे ये बताओ, इसमें कुछ है? तो देखो मनोविज्ञान, तो ये नो जो आया है ओ, बस मुझे इसे विसर्ग में तोड़ना, तो देखो मन के साथ मैंने किसे तोड़ दिया? विसर्ग में, मन गया, मन मन विसर्ग प्लस विज्ञान, क्या है इसमें? मनोरथ ओ आ गया, तोड़ दो ना यार, विसर्ग में क्या फर्क पड़ रहा है? मन लिख दो और विसर्ग में तोड़ दिया, और रथ लिख दिया बचा कुचा। मनोरंजन, तो देखो ये नो आ गया तो मन लिख दो और ओ को किस में तोड़ दिया आपने? विसर्ग में तोड़ दिया। क्या है इसमें? कुछ है? आप ले रहे हो हार्ड हार्ड, प्रैक्टिस सेट किसी भी पब्लिकेशन के उठा लो, चुटकी में सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। वैसे ही मनोहर, तो देखो इसमें ओ आ गया, विसर्ग में चेंज कर दो, मन प्लस हर हो गया। मनोकामना, विसर्ग में चेंज करिए लो, हो गया विसर्ग में चेंज, तो मन प्लस कामना ये हो गया। मनोज, देखो ये मन ये विसर्ग में चेंज हो गया और जा लग गया। वही मनोदशा, तो देखो ये भी चेंज हो गया, मन प्लस दशा। और मन मोहक, इसे पे ध्यान देना है आपको, मन मोहक को नहीं लिख सकते विसर्ग में, ठीक है? तो इसे मन प्लस मोहन लिखोगे, और ये दो शब्द से बना हुआ है इसीलिए ये संधि तो हो ही नहीं सकता, और दो शब्दों का जहां मेल होता है वर्ण नहीं, वर्णों का मेल होगा तो क्या होगी? संधि होगी। और यदि दो शब्दों का मेल होता है तो ये क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो देखो समास भी यहां भी पढ़ रहे हो अब, लो और छह काज लो, एक पंत छह काज, समास के बारे में, समास के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल रही है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना हिंदी की क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है तुम्हें। अब देखो यहाँ पे देख लो, यस आता है तो मैंने कहा यस आता है तो ओ में भी चेंज हो जाएगा, तो देखो ये ओ है तो बस इसे विसर्ग में लिखना है आपको, लिख दो ना, क्या दिक्कत है? विच्छेद से संधि में जाओगे तो ओ बन जाएगा, ओ से विच्छेद की ओर जाओगे तो विसर्ग बन जाएगा। यही यशोधरा, तो देखो ये यश और ये विसर्ग में चेंज हो गया। यश का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि, धरा मीन्स भूमि, देखो अर्थ भी निकल के आ रहा है इन सब का, ठीक है? ऐसे ही यशोमति, तो ये यशो और ओ किस में चेंज हो गया? विसर्ग में, और देखो ये मति लिख दिया हम लोगों ने, बताओ कुछ है? वैसे ही यशो गाथा, तो देखो ये विसर्ग में और ये गाथा अलग लिख दिया, तो ये ओ किस में चेंज हो गया? विसर्ग में। यशो वर्मन में, ये ओ विसर्ग में चेंज हो गया और इधर वर्मन लिख दिया, ये संधि के लिए। तो बताइए कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए है क्या इनमें? कुछ नहीं। अब देखो ऐसे ही तप आ गया, बता तो मैंने पहले ही दिया ना, तो देखो इसमें भी जब विसर्ग के साथ, तो देखो तपोवन ओ ये आ गया भाई, विसर्ग में लिख दो ना, तप प्लस वन, तपोभूमि, तो इसमें भी विसर्ग आ गया, लो ये ओ की मात्रा इसमें चेंज हो गई, तपोभूमि। क्या है इसमें? कुछ है? तपोधन, तो देखो ये भी चेंज हो गया, तपो प्लस धन। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। बस दिमाग में क्या कर लो, लॉक कर लो ये चीजें, ये लॉजिक पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान रखना क्या पढ़ा रहा हूँ, लॉजिक, ये कोई रटा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रैक्टिस का ही फल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तपोगाथा, तो इसमें देखो वो आ गया, ये विसर्ग में चेंज हो गया। तपोगति, तो देखो ये भी वो विसर्ग में चेंज हो गया, तो तप प्लस विसर्ग और गति, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी जहां तक मुझे लगता है। अब देखो अध मैंने बताया था, तो इसमें भी विसर्ग है, ये भी वो में चेंज होगा, तो अध हो, तो ये अध हो जाएगा, और ओ की मात्रा किसमें चेंज होगी? विसर्ग में, और बाद बाकी आपने लिख दिया उन्नति।
अधोपतन, अधोपतन अधो का मतलब होता है, जहां अधो शब्द आता है उसका मतलब होता है नीचे की ओर गिरावट, ठीक है। तो देखो अधोपतन, तो अध ये ओ इस किस में चेंज हो गया, विसर्ग में चेंज हो गया, पतन लिख दिया आपने। अधोगामी, तो देखो ये ओ की मात्रा किस में चेंज हो गई, विसर्ग में चेंज हो गई, अधोगामी। वही अधोरथ, तो ये भी किस में चेंज हो गया, ये विसर्ग में चेंज हो गया। तो देखो ओ किस में चेंज हो रहा है, विसर्ग में, और विसर्ग किस में चेंज हो रहा है, ओ में। विच्छेद से आओगे तो विसर्ग ओ में चेंज होगा, ओ से जाओगे संधि की ओर तो विसर्ग, जो विसर्ग है वो संधि में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। वही अधोगति, तो देखो ये अब बताइए आपको इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। क्लास कैसी लगती है जरूर कमेंट बॉक्स किया करिए, क्योंकि आपके लिए मेरी मेहनत जो है वो काफ़ी है, हालांकि मैं कोई मेहनत को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि क्लास को ईमानदारी से देखें, और देख करके आपको कैसा लगा उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कुछ आपको ऐसा लगता है इसमें कुछ सुधार हो की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्लास अच्छी नहीं लगती है तो आप शौक से उसे डिसलाइक कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उससे हमें कुछ और अच्छा करने का मोटिव मिलेगा। बशर्त आप क्लास को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये आपको फ्री भले ही मिल रही है लेकिन इसकी आप इम्पोर्टेंस भी समझिए, क्योंकि क्लास बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।